सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए, एक तो 144 और एक लिया है 100। बहुत ही सिंपल संख्या ली है, परंतु यहाँ हमारा मेन उद्देश्य है वो है वर्गमूल को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखना। ठीक है, तो फिर आप किसी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल है वो ईजिली निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 144। अब 144 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे एक कॉलम बनाना होगा ऐसे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड है वो किस ढंग से करते हैं, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, उसके गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको अभाज्य गुणनखंड से संबंधित सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 144 है, 144 के अंदर 2 का भाग अगर जाता है तो देंगे, अगर नहीं जाएगा तो 3 का देंगे। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 144 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो इजीली मैं दे दूंगा। देखिए यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, 144 के अंदर 2 का भाग दिया, कितना आ गया हमारे आए 72। ठीक है, 72। वापस आपको देखना है कि 72 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो देना है, तो इजीली जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36। ऐसे हम देखते रहेंगे, यदि 2 का भाग जाएगा तो देते रहेंगे। तो यहाँ पे 36 में भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो, कितनी बार गया 18 बार। वापस देखिए 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार। फिर 9 के अंदर 2 का भाग है वो नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे हम 3 का भाग देंगे। तो यहाँ मैं 3 का भाग दे दूंगा, 9 के अंदर कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का ही भाग जाएगा 1 बार। यानी 144 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकल के हमारे आ गए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सभी 144 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए ये सब लिखूंगा 2, 2, 2, 2, 3 और 3। ठीक है, तो 144 इसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2, 4 तो 2 है, देखिए 1, 2, 3 और 4, और 2 है 3, 1 और 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 × 3। ठीक है, अब देखिए हमारा काम है वो वर्गमूल निकालना, क्या करना हमें वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है 2-2 के जोड़े बनाने। तो यहाँ हम 144 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें से मैं 2-2 के जोड़े बनाऊंगा, यानी प्रत्येक संख्या के 2 टुकड़े होंगे उसमें से एक लेना है। देखो सबसे पहले तो वर्गमूल का जो सिंबल है वो आपको याद रखना इस टाइप से होता है, तो 144 इसके अंदर लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक जोड़ा है उसमें से एक अंक है वो नीचे लेना। देखिए ये पूरा जोड़ा हो गया एक, ये दूसरा जोड़ा हो गया और ये तीसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से नीचे आ जाएगा 2, इस जोड़े में से 1-2 आ जाएगा, और एक इस जोड़े में से 3 आ जाएगा। प्रत्येक संख्या का जो जोड़ा बनेगा उसमें से आपको एक एक अंक है वो नीचे लेना है। अब देखिए 2, 2 और 3 इनका गुणा कर दो, 2 × 2 कितने हुए 4, और 4 × 3 कितने हो गए 12। तो हमारा जो वर्गमूल है वो निकल के आ गया, 144 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 12। अब वापस आपको चेक करना है कि हमने जो वर्गमूल निकाला है वो सही है या गलत है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, 12 का गुणा 12 से कर दो, यानी 12 का गुणा करेंगे 12 से तो आपके 144 से वो आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, देखिए 2 × 2 कितने हुए 4, 2 × 1 2, 1 × 2 = 2, 1 × 1 = 1, तो ये आ गया हमारा 144। इसका मतलब हमने जो वर्गमूल निकाला है वो सही है। ओके, वापस आप जांच भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दूसरी संख्या लेता हूँ जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल है वो कैसे निकाला जाता है। 100 लेता हूँ, चलिए यहाँ पर भी वही आपके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहले 100 का हमने ले लिया, अब देखिए यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया 50 बार, 50 के अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार 25 बार, और 25 के अंदर सीधा 5 का ही जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का ही जाएगा 1 बार। अब देखिए इसका वर्गमूल है वो निकालने के लिए क्या करना है, 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो 100 बराबर क्या है हमारे अभाज्य गुणनखंड, ये हम लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5। अब वर्गमूल निकालना, यानी 100 को वर्गमूल के अंदर रखेंगे और एक एक जोड़े में से एक एक अंक है वो नीचे ले लेंगे, तो 2 × 5 आ जाएगा, 2 × 5 कितने हो गए 10, राइट।
यानी 100 का जो वर्गमूल है वो क्या आ गया 10। तो इजीली आप इस ढंग से वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं। मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ और उसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है सही आंसर, ठीक है। तो इसका मैं लिख लेता हूँ, चलिए आपको 225, ये 225 है, इसका वर्गमूल आपको निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर है वो कौन लिखता है। अपना नाम जरूर लिखना कमेंट करें, उसके आगे अपनी कक्षा और अपना नाम जरूर लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नाम है वो प्रदर्शित कर सकूँ। थैंक यू।